कल का व्लॉग जो था एकदम ही अननेसेसरी था, जो हमने पहले 11 क्रूशियल सेकंड्स में मैंने मेंशन किया दरवाजे बंद करने का, इट्स काइंड ऑफ एन एएसएमआर आई फील सो, मतलब कि मैं जब खुद देखता हूँ तो मेरे को मतलब लगता है कि हाँ चलते रहने दो, इट्स पॉइंटलेस, बट समहाउ आई वांटेड टू डू इट एंड आई डिड इट। एंड सो आपको भी अगर व्लॉगिंग में ऐसा कुछ करने का मन करे जो आप करना चाहते हैं तो सिंपली करिए, it does not have to have any reason for that, but yeah, it's just for you maybe at some point. So without saying much further, welcome back to the vlog of Nan and Luchi Travels. Main Moinak, that is Luchi, and here is my beautiful Nan. Hi. So we plan to make the most out of our day. Ab banega baigan ka bharta, to humne socha ki thoda bahut baigan jalte hue ka time lapse le liya jaye. Ye raha. अच्छा, जैसे आप जर्मनी में आते हैं पहली बार एंड आपको घर रेंट करना है, तो घर रेंट करना तो सबको समझ में आता है, बट आपको लगता है कि हाँ किचन भी होगा, किचन का स्लैब भी होगा, सब कुछ ही होगा, सिंक भी होगा। नहीं, दैट इज़ नॉट ट्रू एक्चुअली। सो होता ये है कि आप अगर घर जर्मनी में घर ढूंढ रहे हैं तो दो तरीके के घर रेंट पर मिलते हैं। एक होता है कि जिसमें आपको बना बनाया किचन ऑलरेडी मिल जाए, और दूसरा होता है जिसमें आपको किचन नहीं मिले। अब जो किचन नहीं मिलता उसका एक की पॉइंट ये है कि उसमें आपको स्लैब्स भी नहीं मिलेंगे, ना तो आपको सिंक मिलेगा। तो आपको अगर स्लैब और सिंक भी ना मिले तो बेसिकली वो किचन किचन नहीं है, मतलब आप उसमें काम भी नहीं कर सकते, करेक्ट। सो उसी लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब कहीं भी घर ढूंढे, एंड इफ यू डोंट वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन टू किचन, कि वो किचन में मैं क्यों इन्वेस्ट करूँ जब वो घर मेरा ही नहीं है, तो इट मेक्स सेंस कि आप बना बनाया किचन लें। एंड उसके लिए ये होता है कि आप पहले से देख लें कि उसमें किचन है कि नहीं। लेट्स से अगर आपको घर अच्छा लगा बट उसमें किचन नहीं है फॉर सम रीजन, मैं आपको बता दूं कि एक किचन का खर्चा होता है मिनिमम 2000 यूरो। 2000 यूरो से आपकी स्टार्टिंग होती है किचन की रेंज, एंड जिसमें आपको मिलता है प्रॉब्ली एक अवन, एक गैस ग्रिल, और गैस ग्रिल की जगह वो इंडक्शन भी हो सकता है, एंड देन दीज स्लैब्स एंड देन दीज ड्रॉअर्स और फलाना फलाना, जो जितना आप पैसे डालोगे उतना ज़्यादा आपको एमिनिटीज मिलती रहेंगी। उसमें एक चीज़ डिशवॉशर भी है। सो राउंड अबाउट दिस इज़ अ वेरी ह्यूज कॉस्ट एंड विच आई वुड नॉट रिकमेंड टू एनीबडी। मैं 5 साल जर्मनी में हूँ, मैंने कभी ऐसे घर में नहीं गया जहाँ पे किचन नहीं हो, बिकॉज आई नो इट कैन बी एक्सपेंसिव। हाँ, इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टे फॉर अ लॉन्ग टर्म, लेट्स से 8 ईयर 10 ईयर, एंड आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहना चाहते हो, देन इट मेक्स सेंस। बट अगर आपको नहीं पता कि आप इतने लॉन्ग टाइम कहाँ रहोगे, आई थिंक दिस शुड डू द जॉब दैट एनीवन हैज अ बिल्ट इन किचन ऑफ हिमसेल्फ। अभी कुछ देर पहले ना बहुत तगड़ी धूप निकली हुई थी, तो धूप निकलने की वजह से क्या हुआ कि हम सोचे कि हाँ चलो धूप ले लेते हैं, और जैसे ही हमने सोचा कि चलो 11:30 बजे खाना वाना बना के निकलेंगे, धूप वैनिश हो गई। क्यों जा रहे हैं हम घर वापस? तुम कैमरा लाना भूल गए। मैं भूल गई कैमरा लाना? मेरे हाथ में तो कैमरा है ही। तुम मत, गाड़ी में चल रहे थे हीरो बनके। Hi guys, welcome back to the channel। और अब बज रहे हैं कुछ दोपहर के 2 और 3 बज रहे हैं एक्चुअली, और हम लोग यहाँ पे निकले हैं धूप। निकलते ही लोग निकल जाते हैं बस। ओ भाई, किसी का डॉगी पार्क होना है यहाँ पे। तो ये है एक्चुअली मैं एरिया जहाँ पे हमने अपने समझ में बहुत सारी वॉकिंग करी है, बहुत सारा दौड़े हैं हम लोग। हाँ। और उसकी वजह से बहुत सारा वेट लॉस भी किया है और अब वेट गेन कर रहे हैं, और
आपको इस वाले व्लॉग में पता चलेगा कि यहाँ पे कोरोना का रिस्ट्रिक्शन चल रहा है। जैसे ही धूप निकली है सारे लोग बाहर आ गए हैं और मुझे नहीं लगता ये कुछ रिस्ट्रिक्शन चल रहा है, बट यहाँ पे एक्चुअली में क्या है, पैदल चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पैदल चलो वॉक करो डिस्टेंस के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। लोग अपने कुत्तों को लेके घूम रहे हैं और ये सब हो रहा है। कुत्ते अलग अलग तरीके के कुत्ते हैं, हाँ कुत्ते बहुत अलग अलग तरीके के हैं, और कोई भी कुत्ता लावारिस नहीं है, सब कुत्तों के मालिक हैं यहाँ पे। जैसे ये एक भाई साहब है, ये अपनी अलग ही दुनिया में है, उसको खोज रहे हैं। मालिक आगे चला गया है बट ये यहाँ पे रह गए हैं, भाग रहे हैं पर अब ये फिर से भागने लग गए। हमने सोचा नहीं था आज रियली कि इतने लोग होंगे साथ में, मतलब कि हम यहाँ पे दौड़ने आते हैं यूजुअली, और आज सैटरडे है और सैटरडे यूजुअली भीड़ होती है, बट क्या होता है कि अब विंटर में अगर कहीं पे भी आओ ना तो फिर वही होता है कि कौन निकले घर से क्या है। पर वी वर अंडर एस्टिमेटिंग द पीपल ओवर हियर, यहाँ पे यार बहुत फिटनेस फ्रीक हैं, उनको कुछ भी दे दो ये बाहर निकलने के लिए तत्पर हैं, तत्पर। जैसे हम लोग क्या है कि हम लोग घुसे रहना चाहते हैं, टोमेटो सूप पीना चाहते हैं, ब्रेड क्रम्ब लगा के, ये लोग साले बाहर निकल के अपना तंदुरुस्ती मेंटेन बरकरार रखते हैं। पता नहीं कौन सा इनको ऋतिक रोशन बनना है, हम तो गोविंदा बन के खुश हैं। दौड़ने लग गए हैं, अब इसे कहते हैं डेडिकेशन, मोटिवेशन, और जो भी है दुनिया में वो आप सीख सकते हैं इनसे। फिटनेस का अवेयरनेस है यहाँ पे वो इतना ज्यादा है कि कोई भी मौसम हो, सर्दी गर्मी बारिश कुछ भी हो, आपको बस कपड़े चाहिए मौसम के हिसाब से। लोग यहाँ पे किसी भी एज में आप देखना, यंग से लेके बूढ़े 80 ईयर्स तक की बात करें, वो लोग भी दौड़ने जाते हैं और रोज जाते हैं डेली। एंड इट सीम्स अगर आप कभी दौड़ना शुरू करेंगे तो आपको भी ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि इट गिव्स यू सच पॉजिटिव इम्पैक्ट जब आप दौड़ते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, और बाहर दौड़ने से और अच्छा लगता है। एक तो फ्रेश एयर आपको मिलती है, एंड इट इज़ डिफरेंट आप जिम में जब दौड़ते हैं और बाहर जब दौड़ते हैं, उसमें बहुत डिफरेंस रहता है। I'm readily waiting for April to come, and once April is here, I'm going to run my ass off, and I'm going to shed this weight. That is what I'm going to do. और यहाँ पे मुझे है जैसे तीन मैंने बताया था गाड़ी में, तो अभी 3:15 है, 3:30 हो रहा है, तो आप सोचो 3:15 3:30 क्या हो रहा होता है, माहौल होता है सोने का, और यहाँ पे लोग दिन में सोते नहीं हैं, यहाँ पे बिल्कुल भी कल्चर नहीं है कि दिन में सोएंगे लोग, ज़्यादातर दिन में लोग एक्टिविटी करते हैं, जैसे फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, वॉक करने निकल जाते हैं या कुत्ते को घुमाने निकल जाते हैं, और रात को जो है वो अपने 8-9 बजे बेड में जाते हैं। लाउफ, अच्छा ये अगर आपको समझ में आए तो ये देखिए, ये है जिन हैमर का लाउफ ट्रेफ, मतलब कि ये रनिंग रूट है 5 किलोमीटर का। लाउफ मतलब रनिंग, मीटिंग पॉइंट लाउफ रूंडे, ट्रेफन होगा मीटिंग, दिस इज रनिंग राउंड एंड लाउफ ट्रेफ इज द मीटिंग रनिंग मीट और समथिंग लाइक दैट। तो अभी हमने एक नई खबर सुनी है कि यहाँ पे एक भारतीय वॉक कर रहे थे और बता रहे थे कि नए कोरोना के कारण एक नए रूल्स आए हैं, जिसमें ये है कि अगर आप डेवलपर हैं, टेस्टर हैं या और किसी उसमें हैं तो हायर कर लिए जाएंगे। ये नई स्कीम चली है यहाँ पे, जो भी है डेवलपर के साथ टेस्टर फ्री, जो भी इंटरेस्टेड है वो बता दें। एक डेवलपर के साथ 2 टेस्टर फ्री, ऐसी ऐसी खबरें उड़ती हैं ऐसे वॉकिंग करते हुए। अब यहाँ क्या है ना, किटी पार्टी नहीं होती है ऐसे, या अरे चाची तुम क्या बोल रही हो या मामी तुम क्या बोल रही हो, वैसा वाला हिसाब नहीं चलता, सॉरी मतलब अरे आसपास कोई आंटी वांटी लोगों से खबर नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पार्क में घूमने से बहुत खबरें मिल जाती हैं। तो घूमना सेहत के लिए बहुत अच्छा है और आँखों और कानों के लिए भी।